एंड वेलकम टू माय चैनल कोलकाता सिटी इलेक्ट्रिक एनर्जी। दोस्तों आज मैं आप सबको एम्पेयर के एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के शोरूम पे लेके जाने वाला हूँ। इस शोरूम का एड्रेस, फोन नंबर और बाकी के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। ये शोरूम एम्पेयर का ऑथराइज डीलर है और ये शोरूम अभी कोलकाता में न्यू ओपन हुआ है, तो इसलिए इस शोरूम में कुछ ऑफर भी चल रहा है। ऑफर क्या है वो आपको वीडियो के एंड में पता लग जाएगा। इधर आपको लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ साथ हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर भी मिल जाएगा, जिसके लिए आपको लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत है। उसके बारे में और भी डिटेल है जो मैं आपको वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। इस शोरूम का आज ओपनिंग है और ओपनिंग के दिन ही मैं आया हूँ शूट करने। दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत और टाइम लगता है। अगर आप लोगों को मेरा मेहनत दिखता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों अगर कोई छोटे मोटे डिटेल्स वीडियो में मिस हो जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, मैं सारा कमेंट का आंसर देता हूं। अभी इस शोरूम में जो जो हाई स्पीड और लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसका जो प्राइस है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो से कुछ समझ में नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फोन नंबर मिल जाएगा जिसपे आप कॉल करके और डिटेल में गाड़ी के बारे में या फिर शोरूम के बारे में जान सकते हो। हेलो सर, हम आपके सामने एक गाड़ी देख पा रहे हैं, आप थोड़ा सा इस गाड़ी के बारे में हमें डिटेल में बता सकते हो? यस, ये ग्रीव्स बाय एम्पियर का मैग्नस प्रो व्हीकल है और ये लिथियम आयन में अवेलेबल है। ओके, ये इसका पहले अपन स्टार्ट करते हैं इसका कलर को लेके। ये तीन कलर में अवेलेबल है, मेटलिक रेड, ग्राफाइट ब्लैक एंड गैलेक्टिक ग्रे, इन तीनों कलर में ये गाड़ी अवेलेबल है। ओके, एंड ये लिथियम आयन व्हीकल है, इसका ये हाई स्पीड है, इसका मैक्सिमम स्पीड 55-60 पर किलोमीटर पर आवर तक जाता है। ओके, एंड इसका जो बॉडी है ये एबीएस बॉडी है, मेटलिक प्लास्टिक एबीएस बॉडी है, एंड इसका आप देख सकते हैं इसका लाइट है, ये आप देख सकते हैं एलईडी लाइट्स है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल डिस्प्ले है इसमें अवेलेबल, इसमें हर तरीके का मोड, इसका किलोमीटर दिख रहा है, इसका बैटरी वोल्टेज कितना है वो आपको दिख रहा है, स्पीड दिख रहा है कितना। ओके, एंड इसमें कोई भी फंक्शन, कोई भी प्रोग्राम में दिक्कत आ रहा है तो उसका लाइट्स भी आपको यहाँ पे दिखेगा। देन अपन आते हैं आप स्विच के बारे में। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया स्विच कनेक्शंस दिया हुआ है, ये अपना हाई एंड लो का स्विच कनेक्शंस है, एंड ये हॉर्न का है, एंड ये इंडिकेटर स्विच कनेक्शन है, और ये जो है हमारा ये हाई लो, ये जो व्हीकल है इसको अपन दोनों मोड पे ले सकते हैं, हाई एंड लो दोनों मोड पे अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, देन ये है इग्निशन स्विच, इसको प्रेस करने के बाद ही गाड़ी में यहाँ पे स्टार्ट ऑप्शन आएगा, देन गाड़ी को अपन रन कर सकते हैं। ओके, ये लो में इसका स्पीड देखिए 31 तक कन्वर्ट हो रहा है, एंड अगर जैसे ही अपन इसको हाई में कन्वर्ट कर रहे हैं इसका हाई स्पीड अपन 2-3 अपन यहाँ पे अगर देखते हैं इसका जो फुट रेस है, फुट रेस बहुत ही कंफर्टेबल है आदमी की पैर रखने के लिए। ओके, देन यहाँ पे आपको मिल जाएगा मोबाइल या कुछ सामान रखने के लिए स्पेसेस आपको मिल जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है। ओके, देन यहाँ पे कुछ हैंगिंग के लिए प्लग दिया हुआ है हैंगिंग के लिए। ओके, आप इसका लगेज बॉक्स देख सकते हैं, ये 40 लीटर्स का लगेज बॉक्स है, यहाँ पे आप आराम से हेलमेट्स एंड एक्सेसरीज यहाँ पे रख सकते हैं, और जैसे ही आप डिगी को ओपन करेंगे यहाँ पे लाइट्स ऑन हो जाएगा आपके सेफ्टी के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटैचेबल बैटरी है, बैटरी को आप आराम से निकाल के चार्ज में लगा सकते हैं। इसको ओपन किया,
बैटरी है, बैटरी जो है ये बाहर आ जाएगा, डिटेचेबल है, इसको आप आराम से चार्ज में लगा सकते हैं। ये इस गाड़ी का बैटरी है जो कि ना आप देख सकते हैं डिटेचेबल है, हमने अभी इसको निकाला है गाड़ी से। और ये जो कनेक्टर है, ये जो कपलर आप देख सकते हैं, कनेक्टर बोलिए कपलर है, ये गाड़ी में चार्ज करने के लिए है। और ये जो पिन आप देख सकते हैं, ये बाहर निकाल के गाड़ी से बाहर निकल के चार्ज करने के लिए है। ओके, और ये जैसे देख सकते हैं ये लिथियम आयन बैटरी है, ये 30 एम्पियर आवर का एंड 60 वोल्टेज का बैटरी है। इसका चार्जिंग टाइम है 5 to 6 आवर्स एंड इसका पर चार्ज में ये गाड़ी 75 to 80 किलोमीटर रन करेगा। BMS लगा हुआ है इस बैटरी में सेफ्टी के लिए, ठीक है, जिसको बोलते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। अगर कोई पर्पस में बैटरी के अंदर कोई इंसिडेंट हो गया तो बैटरी अपने आप को सेल्फ सेफ्टी के लिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम दिया हुआ है बैटरी के अंदर। ओके, तो ये बैटरी खुद अपना सेफ्टी कर सकता है। और इसका जो लाइफ साइकिल है ये 40,000 साइकिल तक ये चल सकता है आराम से। और जैसे आप देख सकते हैं अगर ईयर के हिसाब से हम पकड़े आराम से 5 ईयर्स तक ये रन कर सकता है। ये आप देख सकते हैं ये मोटर है इस गाड़ी का। ओके, ये जो मोटर है ये 1200 वाट की है। ओके, एंड BLDC मोटर है। ये जो ब्रेक सिस्टम है ये ड्रम ब्रेक है जो कि ना देख सकते हैं आप सेफ्टी के लिए, ब्रेकिंग सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही पुराना ब्रेकिंग सिस्टम है। और ये जो देख सकते हैं ये टायर है, ये ट्यूबलेस है जो कि ना आपको आज के टाइम में बहुत ही बचत और सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा है। और जो इसका मोटर है IP67 मोटर है जो कि ना वाटरप्रूफ है। ये जो सस्पेंशन है ये टेलीस्कोपिक स्प्रिंग सस्पेंशन है जो कि ना देख सकते हैं सेफ्टी एंड कंफर्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। और फ्रंट में जो सस्पेंशन है ये भी हाइड्रोलिक सस्पेंशन है, ये सेफ्टी एंड कंफर्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। ये जो की है ये रिमोट की है और शिफ्ट डिवाइस भी है। जैसे आप देख सकते हैं इसको बंद करके इस रिमोट के द्वारा गाड़ी को हम ऑन कर सकते हैं। ओके, एंड देन इसको वापस लॉक कर सकते हैं एंड ये सेफ्टी लॉकिंग है। इससे हम रिमोट से यहाँ पर लॉक किया एंड अगर इसमें दूसरा की लगाने की कोशिश करेंगे तो ये आवाज़ होगा। इसमें जैसे आप देख सकते हैं मोटर, ब्रेकिंग सिस्टम समस्त हर एक फीचर्स के आ रहा है, जिसमें जो भी पार्ट्स में प्रॉब्लम आएगा तो ये जस्ट एक मॉड्यूल की तरह काम करेगा, वो पिक्चर यहाँ पे आ जाएगा, शो करेगा। तो ये टेक्नीशियन या मैकेनिक के लिए बहुत हेल्पफुल है। हेलो सर, आपका नाम? मेरा नाम विपिन कुमार मिनोचा है। आप इस शोरूम का ओनर हो? यस। आप अपने शोरूम का एड्रेस हमें थोड़ा सा बता सकते हो? ये शोरूम का एड्रेस है 2083 राजडांगा मेन रोड, कोलकाता 700107। इट इज नियर GST भवन, रूबी मोड GST भवन। सर, आपके पास जो प्रोडक्ट है वो मेड इन इंडिया है और मेक इन इंडिया है? मेड इन इंडिया है। आप कौन से ब्रांड के साथ काम करते हो? सर, हम एम्पेयर ग्रीव्स के साथ हम काम कर रहे हैं। आपके पास अभी कौन से मॉडल अवेलेबल है एम्पेयर का? एम्पेयर का हमारे पास रियो की रेंज अवेलेबल है, लिथियम एंड लीड एसिड बैटरी। देन हमारे पास हाई स्पीड मैग्नस प्रो अवेलेबल है, हमारे पास मैग्नस लीड एसिड बैटरी अवेलेबल है, हमारे पास फर्दर इसका जो आने वाला है जो अभी तक अवेलेबल नहीं है, इन ट्रांजिट है, दैट इज़ दी जील मॉडल अवेलेबल है। आपके पास जो प्रोडक्ट है वो ARAI अप्रूव है और ICAT अप्रूव है? ARAI अप्रूव्ड है। सर, आप लिथियम आयरन बैटरी में काम करते हो और लीड एसिड बैटरी देते हो कस्टमर को? हमारे पास दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट हम उसको कस्टमर को सजेस्ट करते हैं। आप थोड़ा सा गारंटी वारंटी के बारे में बता सकते हो हमें? लीड एसिड की जो मॉडल्स हैं उसमें 1 साल की जो है वारंटी रहती है, लिथियम जो बैटरी है उसमें 2 साल से 3 साल की वारंटी रहती है, प्लस उसमें एक्सटेंडेड वारंटी भी अवेलेबल है जो अप टू 2 ईयर्स तक जाती है। अगर इसका कुछ ख़राब हो जाए तो सर्विस हमें कहाँ से मिलेगा? सर्विस हमारे डीलरशिप से ही मिलेगी। हमारा वर्कशॉप है जो यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की रेंज में है, जो पूरा वर्कशॉप सेटअप है एज़ पर कंपनीज ये जो भी गाइडलाइंस हैं, तो सर्विस हम यहीं से देते हैं। खरीदने से पहले अगर कोई टेस्ट ड्राइव लेना चाहे तो वो पॉसिबल है? यस सर, हमारे पास टेस्ट ड्राइव व्हीकल्स अवेलेबल है। आपके पास जो प्रोडक्ट है उसमें लाइसेंस का रिक्वायरमेंट है या नहीं? हमारे पास 2 टाइप की जो कि है कैटेगरी है इसमें, एक जो है लो स्पीड है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक जो हाई स्पीड है उसमें ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। खरीदने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए?
लो स्पीड के लिए एज सच कुछ डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, अगर और हाई स्पीड के लिए एज़ पर जो मोटर व्हीकल के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आईडी प्रूफ एंड रेसिडेंस प्रूफ चाहिए होता है, आधार कार्ड इज़ मैंडेटरी है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती है। सर आप लोग इंश्योरेंस देते हो गाड़ी में? इंश्योरेंस अवेलेबल है। सर आप हमें थोड़ा सा गाड़ी का टॉप स्पीड, माइलेज एंड चार्जिंग टाइम बता सकते हो? सर जो लो स्पीड के व्हीकल्स हैं उसकी टॉप स्पीड है 25 किलोमीटर, चार्जिंग टाइम इसका है 8 आवर्स के आसपास है और माइलेज उसकी आपको 50 to 55 आपको उसकी माइलेज मिलती है। और जो हाई स्पीड व्हीकल्स हैं उसकी टॉप स्पीड है आपकी 55 किलोमीटर पर आवर और उसमें 6 आवर्स का आसपास का आपका चार्जिंग टाइम है और उसमें माइलेज 80 to 85 किलोमीटर की माइलेज मिलती है। सर आप लोग स्कूटर एक्सचेंज करते हो क्या? लाइक किसी के पास पुराना इलेक्ट्रिक स्कूटर है पेट्रोल का, वो एक्सचेंज करके आपका इलेक्ट्रिक लेना चाहे तो ये पॉसिबल है क्या? यस सर एक्सचेंज पॉसिबल है। आप थोड़ा सा हमें पेमेंट मेथड बता सकते हो? पेमेंट मेथड कस्टमर कैश से कर सकते हैं, चेक दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से दे सकते हैं, डेबिट कार्ड से दे सकते हैं, ऑनलाइन भी NEFT भी कर सकते हैं। सर अभी कुछ स्पेशल ऑफर चल रहा है क्या आपके शोरूम में? यस हमारे आज ओपनिंग डे है, हमने ऑफर रखा है जो कि फर्स्ट 50 कस्टमर्स के लिए है जो कि ना बुकिंग देते हैं और ये एरिस्टोक्रेट का हम जो केबिन लगेज है 20 इंच का दे रहे हैं विद उसका जो है 5 इयर्स का वारंटी है कंपनी की तरफ से। MRP है उसका 5150 जो हम कस्टमर को एज अ गिफ्ट हम उनको दे रहे हैं। आप थोड़ा सा हमें प्राइस के बारे में बता सकते हो? इसका प्राइस 42,000 से इसका प्राइस स्टार्ट है और अप टू 80,000 के आसपास इसका प्राइस जाता है। इसका प्राइस टाइम टू टाइम अप डाउन हो सकता है और ज़्यादा जानकारी के लिए इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगा। हेलो सर आपका नाम? मैं सुमिंद्र सेन शर्मा हूँ, आई स्टे इन जादवपुर कोलकाता। आपने इससे पहले एम्पियर से एक स्कूटी लिया था तो yes. आप स्कूटी कितने साल से यूज़ करो और आप कितने सेटिस्फाई हो? आई हैव बीन यूजिंग दिस व्हीकल फॉर लास्ट 1 ईयर एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस सो फार ऑफ दिस व्हीकल एंड एज फार एज सर्विस रिलेटेड सपोर्ट इज कंसर्न आई एम ऑल्सो गेटिंग द सेम एंड ट्रूली स्पीकिंग आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस व्हीकल हैव बीन यूजिंग फॉर लास्ट 1 ईयर एंड 1 मंथ प्लस 1 मंथ 13 मंथ्स getting mileage of after one first recharge I am getting mileage of around 55 to 57 kilometers in normal speed and if I am using the vehicle in standard speed so I am getting by 51 52 kilometers after 1 year but initially I had been getting around 77 78 kilometers initially at the time of my professional period rather of driving riding vehicle but आपको सर्विस में कभी कोई दिक्कत हुआ है? नहीं अभी तक तो कुछ ट्रैवल नहीं हुआ है। इस व्हीकल को किस पर्पस पे यूज़ करते हैं? आई एम एक्चुअली यूजिंग दिस व्हीकल फॉर माय डेली कम्यूट एंड फॉर लोकल बाजार एंड एवरीथिंग मार्केटिंग दिस टाइप ऑफ जॉब लोकलिटी एंड रेगुलरली यूजिंग दिस व्हीकल फॉर मैक्सिमम जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर टू एंड फ्रो होम। मार्केट में काफ़ी सारा इलेक्ट्रिक व्हीकल है लेकिन आपने एम्पियर को ही क्यों चूज़ किया? वेरी गुड क्वेश्चन रदर आई वुड बी रिकमेंडिंग एवरीवन एज बिकॉज I have before purchasing Ampere vehicle I definitely had searched so many other contemporary vehicles but as far as features is concerned and its company as because it's behind this Ampere one 160 years oldest company Grips Cotton is over there so that is a very much I suppose that was a very much goodwill for this vehicle and so I selected it and today I may declare myself as a proud owner of Ampere vehicle and I also in near future I am thinking to buy one high speed vehicle of Ampere like Magnus Pro like that. Sir, future में आपका point of view क्या है electric vehicle को लेके? मेरा point of view see as far as IC based engines and petrol based engines petrol becoming much more dearer day by day gradually. So I think everyone must be thinking to shift to electric vehicles and in that case so I told you already that in contemporary market there are so many electric vehicles available but since I am a regular user of Ampere best vehicle Ampere made vehicle I would be recommending everyone to buy this.
दोस्तों अभी एम्पियर के इस हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव लेके मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। इस स्कूटर को हम लोगों ने मेन रोड पे नहीं चला पाया क्योंकि इस स्कूटर को चलाने के लिए हेलमेट का रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम लोग इस स्कूटर को अली गली में चलाए जिससे हमने टॉप स्पीड इसका जो है वो अचीव नहीं कर पाए, जो आपको मैंने वीडियो के बिगिनिंग में बता दिया था कि इसका टॉप स्पीड कितना है। दोस्तों अगर आपको इस शोरूम का एड्रेस, फ़ोन नंबर और गाड़ी के प्राइस के बारे में बाकी के डिटेल्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, उधर आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।